सियासी वानों से खेल के मैदानों तक, अदबी और सकाफती तकारीब से लेकर शोबिस की गर्मा गर्म खबरों तक, हर खबर दिखाने का एहसास अवाम के मसाइल की आवाज़ बुलंद करते 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर न्यूज़ ने कौन से अहम इशू उठाए, किन हकायक से पर्दा उठाया और किन अवामी मसाइल को इकदार के ऐवानों तक पहुँचाया, लाहौर न्यूज़ की खसूसी काविशों पर रिपोर्ट करेंगी सिद्रा मुनीर। मेहनत में अजमत है और मेहनत ही कामयाबी का रास्ता है और ये सच कर दिखाया लाहौर न्यूज़ की टीम ने, जिसने 2 साल में हकायक शवाहिद के साथ आप तक पहुंचाए। लाहौर न्यूज़ को मुस्तनद बर्क रफ्तारी और पायदारी के साथ खबरें आप तक पहुंचाते 2 साल मुकम्मल हो गए। लाहौर न्यूज़ की आज दूसरी सालगिरह के मौका पर लाहौर न्यूज़ के कारनामों और कामयाबियों पर आइए डालते हैं एक नज़र। गुज़िश्ता साल के सबसे बड़े मौजू बहस और मरहले जनरल इलेक्शन 2018 में लाहौर न्यूज़ ने हर पल आपको बाखबर रखने के लिए कमर कस ली। लाहौर न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम ने 5.71 टेलीविजन रेटिंग पैरामीटर्स के साथ ये साबित कर दिखाया कि वो हर मैदान में सबसे आगे हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी की बात हो या फिर सियासी उतार चढ़ाव की, लाहौर न्यूज़ की टीम ने सरकारी नतज से लेकर गैर हतमी गैर सरकारी नतज तक हर पल रखा आपको बाखबर और अपना लोहा मनवाया। लाहौर न्यूज़ की मजीद क्या कार्रवाइयाँ रहीं वो भी आपको दिखा। म्यानी साहब कब्रिस्तान में गैर कानूनी इहातों की तामीर के मामले पर सबसे पहले लाहौर न्यूज़ ने आवाज़ उठाई। इंतजामिया ने एक्शन लिया और तमाम गैर कानूनी इहातों को मिसमार कर दिया गया। म्यानी साहब कब्रिस्तान के साथ साथ मियां मीर, मॉडल टाउन, गर्जुमता और दीगर कब्रिस्तानों से भी गैर कानूनी इहातों को मिसमार करवाया गया और करोड़ों की तजावजात से छुटकारा हासिल किया। और इस तरह लाहौर ने उसकी काविशों से अमीर और गरीब के फर्क को हमेशा के लिए मिटा दिया है। अदालत से आए हेलमेट पाबंदी के ऑर्डर्स तो फिर लाहौर न्यूज की टीम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शहरियों को पल पल आगाह रखने का बेड़ा उठा लिया। हेलमेट पाबंदी के बाद खबर आई कि अब होगी जेब्रा क्रॉसिंग की भी पाबंदी, तो फिर लाहौर न्यूज ने एक बार फिर से जेब्रा क्रॉसिंग की अहमियत और अफादियत और शहर में मौजूद जेब्रा क्रॉसिंग की सूरत हाल के हवाले में भी पेश की तफसीली रिपोर्ट। लाहौर न्यूज ने खेल के मैदानों की सूरत हाल और खिलाड़ियों की आवाज भी हुक्मरानों तक पहुंचाई, स्पोर्ट्स बोर्ड के ऐवानों तक पहुंचाई। लाहौर न्यूज ने इकलौते वेलोड्रोम की कहानी भी सुनाई और उसके साथ साथ रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड के खस्ता हाली ग्राउंड की हालत जार भी दिखाई और इसके साथ साथ कौमी खेल के जवाल होती दास्तान को भी खूब अपने अंदाज में पेश किया। और इन तमाम मसाइल की निशानदही करने का एक ही मकसद था कि किसी न किसी तौर पर मुल्क में खेलों की सरगर्मियों को अरूज पर लाया जाए और कौमी खेल का जो खोया हुआ मुकाम है उसे दोबारा से वापस पाया जाए। शहर गुल में डाले गंदगी ने डेरे, जितनी भी सफाई कंपनीज हैं उसने सफाई से हाथ उठा लिए और फिर लाहौर न्यूज की टीम ने सहाफती जिम्मेदारियां निभाई और सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। जिला इंतजामिया को होश दिलाया और तमाम टीमें और तमाम सफाई कंपनीज मुतहरिक हो गईं और सड़कों पर निकल आए। शहर लाहौर को, बाघों के शहर को एक बार फिर से बाग बाग करने के लिए। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जिला इंतजामिया ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया तो लाहौर न्यूज ने उसे ब्यूटीफुल लाहौर का नाम दिया। इश्तेहारी बोर्ड्स उतारने की बात हो या फिर तजावजात के खात्मे की,
लाहौर न्यूज ने हर मामले पर रखी कड़ी नजर। शहर में सजने वाले सकाफती मेलों की बात हो या फिर रैंप पर बिखरते जलवों की, लाहौर न्यूज ने रखा हर पल आपको बाखबर। शहर में जारी फूलों की नुमाइशों से लेकर तारीखी वर्षे की खूबसूरती और मखदूश होते वर्षे की हिफाजत को भी दी गई अव्वलीन तरजीह। बदलते मौसम में नए पहनावों और जिंदगी के नए अंदाज को भी हमने दिखाया सबसे पहले आपको। मुहाजों पर लाहौर न्यूज की टीम की अभी भी है उकाबी नजर। लाहौर न्यूज को शहरियों को दरपेश मसाइल की जंग लड़ते 2 साल मुकम्मल हो गए और आने वाले लातादाद सालों तक लाहौर न्यूज अपने देखने वालों के मसाइल के हल के लिए यूं ही आवाज बुलंद करता रहेगा। और इन तमाम मामलों में लाहौर न्यूज ने हमेशा नाजरीन की, शहरियों की आवाज को ना सिर्फ मुकदम रखा बल्कि उनके मसाइल को हुक्मरानों तक पहुंचाया, ऐवानों तक पहुंचाया और आने वाले कई सालों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लाहौरियों की पहचान लाहौर न्यूज। लाहौर की शान की तरक्की का सफर सिर्फ यहीं तक नहीं होगा, अभी हमने और आपने मिलकर बहुत मंजिलें पानी हैं, क्योंकि हम और आप ही तो हैं लाहौर न्यूज। कैमरामैन उमर रईस के साथ सिदरा मुनीर, लाहौर न्यूज। कामयाबी के 2 साल।